ये देखिए दोस्तों, ये है एक 15 वाट का बल्ब और ये इसका क्या हुआ है कि ये LED फ्यूज़ हो गया है आगे वाला। इसको पहले रिपेयर किया गया है और इसमें मैंने ये डायोड लगा के इसको रिपेयर किया था, लेकिन ये ख़राब हो गया है दोबारा क्योंकि वो पावर जो है वो कंजप्ट नहीं कर पाता है, तो उसके बाद ये ख़राब हो ही जाता है। तो ये देखिए, इसको लगाते हैं जब तो हल्का हल्का जल रहा है, मतलब कि कोई एक LED ख़राब हुआ होगा। इसमें दो तरह का, मतलब दो पैरेलल में लगा हुआ रहता है LED, तो उसको दोनों साइड ख़राब हो गया है। अगर एक साइड रहता तो एक साइड जलता, वो एक साइड ठीक रहता तो ठीक है, तो वो ख़राब हो गया। तो पूरा चेंज करना चाहिए इसका पैनल को। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको हम लोग निकालेंगे। चिपका हुआ एक्चुअली में इस किसी में ये सिर्फ पेस्ट देके और स्क्रू टाइट रहता है, लेकिन ये चिपकाने लगा पेस्ट देके इसको स्क्रू टाइट कर दिया है। तो स्क्रू को खोलने के बाद हम इसको पेस्ट को उखाड़े हैं, तो इस कारण से थोड़ा टेढ़ा हो गया। उसको ठीक कर देंगे और ये ठीक करने के बाद इसको फिर से लगा देंगे। तो पहले इसको हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन इसका साइड से निकला हुआ है वायर, तो उसका वायर को बीच से निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो पैनल मैंने लेके आया वो नया, वो बीच से उसमें वायर घुसता है। ठीक है, तो इसको देखिए मैंने कट कर दिया इसको जड़ से, और इस साइड वाले को भी जड़ से ही कट कर दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि ये आराम से निकल जाएगा। रिसोल्डिंग करना थोड़ा दिक्कत होता है इसमें। अब देखिए, इसको लेंगे पैनल को, और पैनल देखिए साइज में सही सेम है, और इसका स्क्रू साइज अलग है, स्क्रू का जगह, लेकिन इसमें छेदा है पहले से, तो उसमें लग जाएगा। देखिए दो स्क्रू का छेदा दिख रहा ना, तो वायर को बीच से निकालना होगा, तो उसको हम लोग पहले बीच से निकाल लेते हैं हटा के। तो इसको हटा लेते हैं और बीच से निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं सीधा, क्योंकि वो उखाड़ते समय थोड़ा टेढ़ा हो गया था। बराबर नहीं रहेगा तो हीट सिंक जो है वो वर्क नहीं करेगा ठीक से। अब देखिए इसके ऊपर लग गया है, तो देखिए इसको हम लोग वापस लगा लेंगे वायर घुसा के बीच से, क्योंकि वो बीच से लगाने का इसमें अच्छा दिया हुआ है साइड से, और दोनों साइड से दिया हुआ है कि दोनों लगा सकता है, होल भी दोनों दिया हुआ है। अब इसके ऊपर हीट सिंक पेस्ट लगाएंगे, ये कंप्यूटर में लगाने वाला पेस्ट है, अगर आप यूज़ किए हैं पहले तो आप जानते होंगे, लेकिन ये आसान होता है इसको लगाना, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे वाइट वाला पेस्ट भी आता है, थोड़ा परेशानी होता है उसको लगाने में, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ये क्या है, गीला रह जाता है ठीक बहुत दिन तक, और वो वाइट वाला जो है सूख जाता है, इसलिए वो मैं इस्तेमाल करना थोड़ा दिन छोड़ दिया हूँ। है मेरे पास रखा, लेकिन यूज़ नहीं करता हूँ, यही यूज़ कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि ये थोड़ा अच्छा दिन तक चल जाता है, क्योंकि ये अच्छा से चिपक भी जाता है इसमें। ठीक है, मतलब कि चिपका नहीं रहेगा, उखाड़ेंगे तो उखड़ जाएगा, लेकिन ये हीट को अच्छे से ट्रांसफ़र कर लेता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो वायर है इसको सीधा कर लेंगे, उसको घुसाएंगे, क्योंकि ऐसे घुसने वाला नहीं है बीच में होल में। ठीक, देखिए ये लग गया, लग गया। अब देखिए इसमें क्या है, लगने के बाद इसको हम लोग लगा लेते हैं स्क्रू। वैसे सोल्डिंग पहले ही मार लेना चाहिए, जिससे क्या होता है ना, हीट जो है वो हीट सिंक में ट्रांसफ़र होके ठंडा नहीं हो जाए, इसलिए पहले टाइट कर लेना, ये सोल्डिंग कर लेना चाहिए। लेकिन मैं टाइट कर दे रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा सोल्डिंग आयरन थोड़ा गर्म है, अच्छा इसीलिए हो जाएगा, लेकिन पहले ही इसको थोड़ा ऊपर रख के सोल्डिंग कर देने में फ़ायदा रहता है। तो ये देखिए ये लग गया है। और देखिए, आपको एक और बात बताना था कि मेरे चैनल पे और भी वीडियोस मौजूद है, वो आप जाके देखिए, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकेगी। तो ये देखिए, इसको हम लोग सोल्डिंग कर देते हैं जहाँ से लगने का जगह है, माइनस और प्लस देख के सोल्डिंग कर देने का। तो देखिए ये इसी कारण से इसको पहले खोल के सोल्डिंग करना रहता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि खोले में ऐसे क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होकर वहाँ पर गलता ही नहीं है रंगा। ठीक है, तो ये लग गया, और इस साइड वाला को भी लगा देते हैं। देखिए ये प्लस वाला है, उसमें एक डायोड लगा हुआ था थोड़ा सा पावर को थोड़ा कम करने के लिए। ठीक है, तो ये लग गया है, और टाइट कर देंगे इसको बढ़िया से, थोड़ा सा मैंने लूज़ कर लिया था क्योंकि सोल्डिंग नहीं हो रहा था इसीलिए। अब लग गया, देखते हैं इसको जला के कि ये कैसे काम, देखिए पहले वाला कैसा है अभी वाला कैसा है। तो इसको हम लोग जला के देखेंगे जल रहा है कि नहीं। वैसे मार्केट में जो मिलता है LED का पैनल, वो क्वालिटी ऐसे भी ठीक नहीं रहता उसका, चल जाए तो बढ़िया, नहीं चला तो फिर से चेंज करो। तो ये देखिए ये जल रहा है, बढ़िया है, जल रहा है, दोबारा आप जला के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये बढ़िया हो गया है, बन गया है, देखिए ये जल रहा है। अब इसको हम लोग ऊपर से दिखाते हैं जला के, देखिए जल रहा है, फुल जल रहा है, वो लाइट थोड़ा सा कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइट कंट्रोल करता है वो कैमरा। ठीक है, ये बन गया है इस प्रकार से, साइड में टूटा हुआ और रखा हुआ उसको चिपका देंगे।
ठीक है, इसको फिर से एक बार जला के मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से ये जल रहा है। देखिए सटाने पर ये जल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।